वेलकम टू रुबीनास किचन एंड रेमेडीज़। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और उसका नाम है ग्रीन चिकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रीन मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना, उसके बाद शामिल करेंगे हरी मिर्च, ये मैंने ली है तकरीबन 4 अदद। उसके बाद लिया है यहाँ पे ताज़ा पुदीना, ये शामिल करेंगे। ताज़ा पुदीना शामिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है 1/2 कप के करीब दही, ये ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे जी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल। 2 टुकड़े मैंने यहाँ पे लिए हैं दालचीनी के, 1 मोटी इलायची है, 5 से 6 दाने जो हैं वो काली मिर्च के हैं, 2 लौंग हैं और थोड़ा सा काला ज़ीरा, ये शामिल करके इसे रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ली है मीडियम साइज़ में 1 प्याज, चॉप करके वो शामिल करेंगे और प्याज को नरम होने तक पका लेंगे जी। तो प्याज का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है और प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे डालूँगी 1/2 kg के करीब चिकन और इसे तकरीबन हम तब तक अच्छे से भून लेंगे जब तक के चिकन का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, वो शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून जो यहाँ पे हम लेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। देख सकते हैं चिकन का कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और इस पॉइंट पर हम डालेंगे अपना ग्रीन दही वाला मसाला, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसे हम 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए जी। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब चेक करते हैं। चिकन जो है बहुत अच्छी गल चुकी है और इसे मज़ीद हम 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। ग्रेवी आप जितनी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला जी। तो ग्रीन चिकन हमारी हो चुकी है रेडी, तो चलें इसे सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, तो रेडी है हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चिकन। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।